दीदी। अरे नमस्ते अंजलि, आ गई तू? हाय जी। और नमस्ते दीदी। नमस्ते। और कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, बताओ आप कैसे हो? तुझे रास्ते में कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दीदी, दिक्कत तो कोई नहीं हुई। अजी सुनो, देखो अंजलि आ गई। अरे अंजलि आ गई तू? हाय जी जी जी, नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते नमस्ते, बैठ बैठ। तो आप आने जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। अरे यार अंजलि आ गई, कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया। चलो भैया, तो कितने दिन के लिए आ रहे हो? आज जी जी भी बस एक हफ्ते के लिए। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं आपके? दूनी यूनिवर्सिटी से। चलो भी बढ़िया। तो ठीक है अंजलि, तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं थोड़ा सा जरा ऑफिस का काम खत्म करके फिर तुमसे बात करूंगा। अरे दीदी कहाँ रह गई? दीदी कहाँ रह गई आप? और बता दीदी, मम्मी पापा कैसे हैं घर पे? सब ठीक है दीदी। और भैया भाभी? वो भी ठीक है। वो लोग मुझे याद भी करते हैं? नहीं, सब याद करते हैं आपको। अरे मैं जाना सोच रही थी लेकिन जा नहीं पा रही, क्या करूं, उनको ऑफिस का काम बहुत ज्यादा आ रहा है। अरे भाई दोनों बहनों में क्या क्या बातें चल रही हैं, कुछ हमें भी बता दो। कुछ नहीं जीजू। अच्छा अंजलि ये बता कि कल तो एग्जाम होगा तुम्हारा? हाँ। कितने बजे से है? 9 बजे से। 9 बजे से? तो ठीक है, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये बात भी कुछ कहने की थी, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ? अगर आपने कॉलेज छोड़ोगे और क्या पड़ोसी छोड़ने जाएंगे इसको? अरे यार तुम तो बेवजह झगड़ा करने लगती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ जीजू मुझे मौसी कब बना रहे हो? अब भाई ये बात तो तुम अपनी दीदी से ही पूछो, जब परमिशन मिलेगी तभी तो बनाऊंगा। चल ठीक है अंजलि, तो आराम करोगे और सुबह जल्दी उठना भी है क्योंकि कॉलेज जाना है। ठीक है, और सुबह मिलते हैं। ठीक है जीजू, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। सपने में आई थी, थैंक गॉड कि वो सपना है। क्या
अंजलि, मैं चाहता हूँ जो तुमने सपने में देखा वो हकीकत कुछ है। सच बताऊँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस कहते हुए डरता था, लेकिन आज मुझे मत रोक, प्लीज अंजलि। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो अंजलि को समझा रहा था मैं कि कैसे पढ़ते हैं। ऐसे समझाते हैं? अरे मेरी बात सुनो, मैं इसको समझा रहा था। अंजलि बताते क्यों नहीं हो? वो दीदी ऐसा कुछ नहीं है। सच में ऐसा कुछ नहीं है? तुम दोनों क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? और तुझे तो अपनी छोटी बहन कहते भी मुझे शर्म आ रही है, तुझे मेरा घर उजाड़ते शर्म नहीं आई? सॉरी दीदी, गलती हो गई। खड़ी हो, चल निकल मेरे घर से। मेरी बात सुन, तो इसको मत निकाल, अगर घर पे पता लग गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब बाद में देखूंगी। पूजा प्लीज मुझे माफ कर दे। पूजा पूजा आगे से ऐसी गलती नहीं। पूजा पूजा मेरी बात सुन, पूजा 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 पूजा। हाँ बोलो। यार शर्ट का बटन टूट गया, लगा दो। खुद लगा लो। अभी भी नाराज हो? एक कप चाय तो मिल सकती है। लो। ऑफिस जा रहा हूँ मैं। जाओ फिर। ठीक है। आज पी क्या आई हो? ये कसर रह गई थी। क्या करूं अब, क्या करूं? तो मुझसे बात करती नहीं, तो कोई तो चाहिए ना जिससे मैं बात कर सकूं। बात बात किससे करके आए हो? बोतल से। एक बात बताऊं पूजा, बहुत प्यार करता हूं तेरे से, नहीं जी सकता तेरे से। देख, अगर तू बात नहीं करेगी ना मुझसे, तो मैं रोज ऐसे ही बोतल से बात करके आया करूंगा। क्या करूं पूजा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता यार। माफ कर देना मुझे प्लीज। खाओ मेरी कसम, आगे से तुम्हें आप ऐसा करोगे? तेरी कसम बिल्कुल भी, बस तू नाराज मत होना मुझसे। ठीक है, तूने मुझे माफ कर दिया पूजा? हाँ मैंने माफ कर दिया, लेकिन आगे से कभी मत करना ऐसा। सच्ची नहीं कर रही, सच में माफ कर दिया? हाँ मैंने माफ कर दिया। सच्ची? जी। आप अंदर चलो। चलो सोजा। चलो उठो आराम संभल के। अब तो है ना मुझे संभालने के लिए।